हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो फूड बेंच ऑफ होप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पिछले वीडियोस को, जैसे कि बगदादी रेस्टोरेंट, कैफ़े निज़ारी, गुलशन ईरान और भगत ताराचंद, ये सारे वीडियोस को भर भर के प्यार दिया है। मतलब इतने सारे व्यूज़ आए हैं उन सारे वीडियोस पर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द सेम। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसे आइकॉनिक पारसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में बने रहिए। तो हम आज ट्रैवल करने वाले हैं बांद्रा वर्ली सीलिंग से। तो हम अभी मरीन लाइंस पहुंच चुके हैं और मैं आपको एक पूरा स्ट्रीट व्यू दे देती हूं। यहां पर राइट हैंड साइड पे एक मस्जिद है, जिसे गोल मस्जिद अहमादी कहते हैं। सो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ससानियन रेस्टोरेंट, और उसके बगल में है ससानियन बुलॉन्जरी। बुलॉन्जरी का मतलब होता है बेकरी, सो इट्स अ ससानियन बेकरी। तो अगर आपको भी यहाँ पर आने का मौका मिले तो आप इनके रेस्टोरेंट को भी विजिट कर सकते हो और इनके जो बेकरी प्रोडक्ट्स है वो भी इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अवन फ्रेश बेक्ड में आपको प्लम केक्स, स्पंज केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, बटर खारी, चीज स्ट्रॉ, वॉलनट ब्राउनी, बिस्किट्स, ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ससानियन इज ए पारसी रेस्टोरेंट एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मिस्टर के आर ससानियन इन द ईयर 1913। सो इट्स ऑलमोस्ट 111 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हो द प्रेजेंट डे ओनर इज मिस्टर मेहरबान कोला। आप जैसे ही इस रेस्टोरेंट में एंटर करते हो ना, आपको एक विंटेज सी फीलिंग आएगी। एंड ऑब्वियसली दिस रेस्टोरेंट स्टिल मेंटेन्स इट्स ओल्ड वर्ल्ड चार्म। द फर्नीचर इज एज ओल्ड एज द बेकरी इटसेल्फ। मतलब ये जो टेबल और कुर्सी आप देख रहे हो ना, ये सारे 100 साल पुराने हैं। ऑथेंटिक ईरानी कैफे की तलाश में हम आज यहाँ पर आए हैं। एंड बाय द वे, इनका मावा केक इज अ मस्ट ट्राई। तो ये है ससानियन रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। Apart from the Parsi food, they also serve Chinese and sizzlers. Hello friends, welcome back to my channel. आप देख रहे हो Food Venture Folks. तो अभी हम आए हैं धोबी तलाव एरिया में, और इस रेस्टोरेंट का नाम है ससानियन रेस्टोरेंट। और यहाँ पे हमने कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है,
तो सबसे पहले ये है चिकन कटलेट, यहाँ पे है ये ईरानी चाय, ये है मटन सली कीमा, और ये है पाव। तो पाव हमने अलग से ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले ये चिकन कटलेट ट्राई करते हैं। ओके, आप सबसे पहले ये चिकन कटलेट देख लीजिए। तो ये जो कटलेट हमने लिया है चिकन कटलेट, ये 70 रुपीज का है वन पीस। आप देख सकते हो उसका आउटर कवर, इसको एक्चुअली एक के बैटर में डीप फ्राई किया है। इसको ट्राई करते हैं। इसमें ना प्याज डाला हुआ है और हल्का सा चिली पाउडर का टेस्ट आ रहा है। ज्यादा स्पाइसी नहीं है पर बड़ा टेस्टी चिकन कटलेट है। मटन सली कीमा जो ऑर्डर किया है वो ट्राई करते हैं। इसके साथ पाव नहीं आता है, पाव हमने अलग से ऑर्डर किया है। ये 5 रुपीज का एक पाव है। आप जरा पहले ये मटन सली देख लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाव के साथ ट्राई करते हैं। Mom is going to try the chicken cutlet. तो ये जो मटन सली कीमा है इसके साथ प्याज और ये नींबू भी आता है, वो एक्चुअली देना भूल गए थे और मुझे इसमें कुछ तो बहुत ही ज्यादा मिसिंग लगा। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वो देना भूल गए थे, लेकिन इसके साथ ये प्याज और ये नींबू भी आता है। तो सबसे पहले हल्का सा मैंने नींबू निचोड़ा है इसपे और एक थोड़ा सा छोटा सा पीस प्याज का डाल के अभी ट्राई करते हैं। तो प्याज और थोड़ा सा नींबू निचोड़ने के बाद थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस हुआ, वरना सिर्फ ऐसे खाने में मुझे तो मज़ा नहीं आया, लेकिन प्याज और नींबू के साथ मुझे बड़ा मज़ा आया ये खाने में। ये देखिए आप, ये जो है ये सली है, ये पोटैटो स्टिक्स है। अभी यहाँ की फेमस जो ईरानी चाय है उसे ट्राई करते हैं। इसका कलर देख लीजिए, मैंने ऐसे सुना था कि ईरानी चाय जो होती है उसमें बहुत सारा मिल्क डाला हुआ रहता है, इट्स वेरी मिल्की, लेकिन मुझे ये ज्यादा मिल्की नहीं लगी।
It's average. तो अभी हमने मावा केक ऑर्डर किया है. ये आप रैपिंग देख सकते हो, ये एक्चुअली ब्राउन रैपिंग में आता है. ये 30 rupees का है पर पीस. तो अभी इसको ट्राई करते हैं. मावा केक इज नाइस, मुझे अच्छा लगा. ये इट्स क्वाइट नाइस एंड फ्रेश. And these cakes and specially the breads and the pav, all of this is baked in house. ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए इतना fresh है. तो अभी लगन नू कस्टर्ड ट्राई करते हैं. पता है इसकी खास बात क्या है कि ये हर एक रेस्टोरेंट में अवेलेबल नहीं होता ईजीली. एक्चुअली ये सिर्फ शादियों में ही बनाया जाता था पहले के ज़माने में, इसके लिए इसे लगन नू कस्टर्ड कहते हैं. लगन यानी वेडिंग. So it's a wedding custard, but you know since people prefer this custard so much, मतलब ये इतना popular हो गया लोगों के बीच और लोगों को ये बहुत पसंद आने लग गया, तभी से ये restaurant में भी लोग बनाने लग गए. So ये सिर्फ फारसी restaurant में ही available है. तो अभी इसको try करते हैं. आप देख सकते हैं उसके ऊपर ये baked है, यहाँ पे nuts डले हुए हैं, ये सारे dry fruits है और मुझे कुछ pistachio भी दिख रहे हैं यहाँ पर. फर्स्ट बाइट लेते हैं लगन में कस्टर्ड का. बर्न्ड मिल्क जो होता है उसका ऊपर से लेयर जो है वैसा टेस्ट आता है और अंदर जो है इट्स वेरी एगी और मिल्की और इट्स क्वाइट डेंस एज यू कैन सी हियर. इट्स नाइस फ्रेश एंड क्रीमी. इसमें ना मुझे हल्का सा नटमेग का टेस्ट आ रहा है जिसे जायफल कहते हैं. बहुत ही हल्का सा माइल्ड सा टेस्ट है बट दिस कस्टर्ड इज जस्ट अमेजिंग. अभी मुझे पता चला कि लोग इसे क्यों इतना पसंद करते हैं. और अगर आप यहाँ पे आते हो ससानियन तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है. और ये मावा केक भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए. मावा केक एकदम ये लगन कस्टर्ड का है तो ये बना था लगन कस्टर्ड बना था. वेरी नाइस. मैंने यहाँ पे चिकन कटलेट भी ट्राई किया, चिकन कटलेट मुझे बहुत अच्छा लगा. मटन सली कीमा जो है वो
तो मुझे शुरुआत में थोड़ा सा ब्लैंड लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर थोड़ा सा नींबू डाल के उस पर एक अनियन रिंग डाल के ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे ट्राई की आप ट्राई कर सकते हो। ईरानी चाय में मुझे इतना मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली बताऊँ तो, उसमें कुछ चाय पत्ती का टेस्ट आया मुझे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ईरानी चाय रेस्ट ऑफ द आइटम्स आर हैव ऑर्डर आई थॉरली इंजॉय एंड कैन ऑल्सो ट्राई दीज आइटम्स। No, it's okay. She's the ex-principal of? Okay, nice to meet you, ma'am. What's your name? I'm Rini Kandava. Okay. But more than anything else, it's the warmth of the place. Okay. And you've been visiting this place for how long? It's the opposite. Okay. I love the mava cakes. I love everything about it. Okay. Any special dish that you would like to recommend? Dishes, everything is special. More than that is the mawa cake. Mawa cake, okay. And it's the caramel custard. Caramel custard. Yeah, okay. There are two types of custard. But I like it. Okay. And I enjoy the ambience of the place. So many people say it's an old fashioned but so what? The warmth of this place. It's something that keeps it alive. Okay. Thank you so much, ma'am. Regular people will be coming here. They don't compromise. Right, okay. Right. Thank you. Thank you. तो गाइज यहाँ पे UPI पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट आप नहीं कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको यहाँ पे आते हो तो कैश पे करना पड़ता है। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार यादव। आनंद कुमार यादव, तो इन्होंने हमें सर्व किया था आज ब्रेकफास्ट, थैंक यू। आप कहाँ से हो? झारखंड से। झारखंड से। ओके मैम, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।